हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नए साल 2021 की सभी को बधाइयाँ। जो कि आप जब कुछ लिखेंगे तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जीरो की जगह एक लगा देना है। एक परिवर्तन हो जाएगा हम सभी लोगों की ज़िंदगी में। वैसे हमारे और सभी लोगों के साथ में जब ये परिवर्तन होते हैं तो उनके साथ में लोगों के साथ कुछ अच्छे परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ बुरे हो जाते हैं। मेरी दुकान में एक फिशेज वगैरह सब और काफ़ी स्टॉक हो चुकी हैं, और कुछ चीज़ें मतलब कि जैसे कि ये 100 पीस वगैरह आप लोग देख सकते हैं, वो भी अभी बहुत कम बचे हुए हैं। फिश फूड वगैरह मतलब अलमारियाँ पूरी खाली होती आ रही, प्लांट प्लांट सब बकायदा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। बजीस बर्ड्स वगैरह पैरट वगैरह भी खाता है मेरे पास, सिर्फ बेचारा एक बचा है। मुझे बहुत दुख लग रहा है इसका, साथ ही आ नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों ट्रेन में बुक नहीं हो पाया था। बाकी इनका खाना और इनके केजेस और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था पर्याप्त है। टॉप कवर वगैरह भी आ गया, मतलब कुल मिला के ड्राई आइटम सारा आ गया, लेकिन उसके साथ में कुछ चीज़ें नहीं आई। तो ये करीब 3 साल से ऐसा हो रहा है, सन 2018 से। पता नहीं सबकी ज़िंदगी और सबके साथ ऐसा ही हुआ। वैसे मेरे वीडियो सारे बच्चे ही देखते होंगे तो उनके तो हमेशा ही हर साल अच्छे ही होते हैं। कुछ बच्चों को तो 2020 काफ़ी अच्छा बीता जिनको पढ़ने को नहीं मिला, कुछ बच्चों का काफ़ी बुरा भी बीता कोरोना के कारण। तो उम्मीद करते हैं ये साल सबके लिए बेहतरीन होगा और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ खुशी से बीतेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब लोगों का बिजनेस, सब लोगों का काम बहुत अच्छा चलेगा। मेरी नई मछलियाँ आने वाली हैं, कल शाम तक में आ जाएंगी। और इस मछलियों में मैंने चिचिल फिशेज सारी मंगाई हुई हैं और हार्ट शेप की पैरेट भी आ रही हैं और अफ्रीकन चिचलेट जैसे ब्लू पाउडर बनाना ये भी आई हुई है, और इनके साथ में कुछ ऐसी ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, और आप लोगों को सबको फिर से अगेन मैं बोलूँगा हैप्पी न्यू ईयर और बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये 2-3 साल मेरे लिए तो लकी नहीं हुए। 3 साल से तो मैं लकी हूँ, हो सकता है। वैसे ये साल थोड़ा सा मेरे लिए बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट रहा है। एक्चुअल में मुझे सवेरे सवेरे कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से विश किया, स्पेशली मेरे पास विश करने आए 4-5 किलोमीटर दूर से, और उन्होंने कहा कि पहली बार मैं विश कर रहा हूँ तो आपका ये साल, आपका बिजनेस सब कुछ काफ़ी अच्छा होगा और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। तो अगर वो भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच बोलूँगा, और ऐसे ही आप सभी लोग मेरे पास बने रहेंगे। और मेरे पास जैसे कल सारा स्टॉक आ जाएगा तो आप लोग मेरे पास फिशेस लेने भी आएंगे, और कोशिश करूँगा नए साल में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, कुछ बेहतरीन कर सकूँ। वैसे मैंने अभी भी अपने तरीके से कुछ चीज़ें अपडेट की थी इसी साल, जैसे बजीज वगैरह, बजीज पैरेट वगैरह रखने लगा था, बर्ड केज, बर्ड फूड और फिशेस की वैरायटी भी मैंने काफ़ी अच्छी कर दी। एक मेरे पास बहुत बढ़िया फ्लावर हॉर्न आई हुई है, छुप रही थोड़ा सा, आ जाओ एक मिनट। एक तो इन फिशेस में क्या है ना, हम लोग एक प्रॉब्लम कर देते हैं गैप, ये सकर गैट के साथ काफ़ी अच्छे से है, बट इसका आप लोग कलर देखो कैसा है। जी आ गई, काफ़ी यूनिक कलर है, ऐसी मैंने फ्लावर हॉर्न देखी नहीं है। आप लोग बताना है कौन सी फ्लावर हॉर्न है। तो ये फीमेल, बट फीमेल में इसके कलर और वैरायटी काफ़ी यूनिक है, मतलब कि काफ़ी डिफरेंट, ना ही रेड है ना ही ब्लैक है, मतलब काफ़ी अच्छा सेफ डिज़ाइन और कलर है। एक्चुअल में मुझे ये फिश एक मेरे कस्टमर ने दी हुई है, एक्सचेंज करके वो दूसरे सामान ले गए थे इस फिश को देखे, और ये फिश जब छोटी थी तब मैंने उन्हें ये फिश दी थी, अब बड़ी हो गई तो इसे उला के फिर से उन्होंने मुझसे छोटी फिश ले ली। तो ऐसा कई सारे लोग करते हैं, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे होंगे करने के लिए, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना किसी को भी नहीं करता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे सजेशन दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि मुझे और क्या अपडेट करना चाहिए। एक्चुअली मैं बजीज बर्ड का ब्रीडिंग का सोच रहा था, काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग होती है हावड़ा कोलकाता, और इसकी ट्रांसपोर्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है और इसका सबसे ज़्यादा किराया लग गया था, जिसकी वजह से थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। तभी मैंने फोकस किया, मैं सोचा सिर्फ बजीज बर्ड की अपने छत में इसकी ब्रीडिंग करवाता हूँ, बड़े बड़े केज बनवा के, और इसके लिए जैसे वो मटके का नेस्ट
नेस्ट वगैरह बना के बढ़िया से इनको रख के सेपरेट, ये आइडिया कैसा है मेरा, आप लोग ज़रा सा मुझे सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी कुछ यूट्यूब वगैरह में वीडियोज़ वगैरह देख रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा हावड़ा में और गुजरात तरफ और बॉम्बे वगैरह में लोग इसका ब्रीडिंग का काम करते हैं, और आई थिंक ये काफ़ी ईजी काम होगा। इसमें थोड़ा साफ सफाई करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, और मेन सबसे मेन चीज़ है कि इनके जो बेबीज़ वगैरह होते हैं वो मतलब कि इनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको किल नहीं करते, मारते नहीं हैं बच्चे, आई थिंक हो जाते होंगे। अगर आपने को ज़्यादा आइडिया हो तो आप लोग इसके बारे में मुझे नॉलेज ज़रूर देना, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के पास जल्दी कल के वीडियो की अपडेट दूंगा, जिसमें मेरे पास नई नई फीसेस आएंगी और उनके बारे में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये न्यू ईयर का मेरा पहला वीडियो है, तो ये वीडियो सिर्फ मेरे, कहा जाए तो पता है मुझे ये वीडियो वही लोग देखेंगे जो मुझे सिर्फ मानते हैं और मेरे वीडियोस पे सिर्फ मतलब कि मेरी इन्फॉर्मेशंस के लिए आते हैं, ना कि मेरे नए कंटेंट और नए प्रोडक्ट्स के लिए। तो उम्मीद करूँगा वो लोग मेरे वीडियो को शेयर भी करेंगे चैनल में। अगर आप लोग मेरे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।